शुक्रिया कोम्बू की तरफ से बनाया। आपके सामने रूसी इंसान नुमा रोबोट फूडोर है जो दो हाथों से गोली चला सकता है। रूसी माहिरीन ने तैयार किया फूडोर हतमी तजुर्बाती मुजाहरा ऑब्जेक्ट रिसर्च, इंतहाई हालात और खलाई तहकीक के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोट खुद मुख्तार तौर पर काम कर सकता है या किसी माहिर का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटर के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल सूट। रोबोट का मकसद दो अहम काम अंजाम देना है, इंतहाई हालात में लोगों को बचाना, जैसे मुनहदिम इमारतों से और खलाई मिशनों का आगाज। हाल ही में यह इंकशाफ हुआ कि फूडोर को पाबंदियों का सामना करना पड़ा जब यह पता चला कि रोबोट न सिर्फ गोली मार सकता है बल्कि दोनों हाथों से गोली भी चला सकता है। ये जानने के बाद गैर मुल्की कंपनियां गियर्स सेंसर समेत अज्जा की फराहमी बंद कर देती हैं, इंजन कैमरे और कंप्यूटर। बहरहाल फूडोर रोबोट के डेवलपर्स के घरेलू मुंतकली के साथ तरक्की करता रहता है। मुतबादिल। रोबोट पर काम 2014 में शुरू हुआ था और इसे पहली बार 2016 में आवाम के सामने पेश किया गया था। इसकी खसूसियात के मुताबिक रोबोट पहले से ही दरवाजे खोलने, काम करने के लिए एक चाबी का इस्तेमाल कर सकता है, आग बुझाने वाला और आरी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फूडोर एक कार चला सकता है और यहां तक के चारों चौकों पर रेंग सकता है। मजीद बड़ा, रोबोट ने ट्रांसोर्स और तूल बलद दोनों तरह की तरतीब देने में महारत हासिल कर ली है। एक आलमी रिकॉर्ड। रोबोट 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ा है और उसका वजन 105 से 106 किलोग्राम के दरमियान है। मॉस्को में आर्मी 2022 हथियारों की नुमाइश में एक आला दर्जे की रूसी तरक्की को दिखाया गया था। ग्रेनेड लॉन्चर से लैस रोबोट कुत्ता। कुत्ते से मशाबे ये डिजाइन रूसी कंपनी इंटेलेक्ट मशीन का है। रोबोटिक्स, हथियार साजी और मसनूई जहानत में। डेवलपर्स के मुताबिक रोबोट कुत्ता दुरुस्त शूटिंग और हथियार चलाने की सलाहियत रखता है। नकलो हमल। सिविलियन एप्लीकेशंस में इसे हंगामी हालात में जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मलबे से गुजरना और तिब्बी सामान पहुंचाना। जंगी मंजरनामों में रोबोट कुत्ता हदफ के तायुन, गश्त और में भी मशगूल हो सकता है। सिक्योरिटी के काम। ताहम अमरीका का मानना है कि रूसी रोबोट कुत्ते के पास ग्रेनेड लॉन्चर की नकल है। एक चीनी हम मनसब की। ये कुत्ता योंट्री रोबोटिक्स के योंट्री यूशो टेक्नोलॉजी के कुत्ते से करीब से मिलता है। ऑनलाइन स्टोर्स में $2,700 में खरीदारी के लिए। M81 को उसकी असलियत छुपाने के लिए कपड़े से बांधा गया है। एक इशात में दावा से पता चलता है ये मुकम्मल तौर पर वाजे है कि रोबोट था। रूसी सनतकार के जरिया तैयार नहीं किया गया है। इस रूसी तरक्की के बारे में तबसरों में अपने ख्यालात का इश्तराक करें। रूस अगले 10 सालों के अंदर एक अवतार रोबोट बनाने का इरादा रखता है जिसकी जगह ले ली जाएगी। मैदान जंग में फौजी। रोबोट को अंतरूपमोर्फक का नाम वानतरूपमोर्फिक शक्ल में डिजाइन किया जा सकता है। इससे मिलता जलता आप एक इंसान से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ मुअख्खर अल-ज़िक्र सूरत में ऑपरेटर महसूस करेगा। मिसाल के तौर पर एक टांग एक कैटरपिलर के तौर पर काम करती है। टेक। डेवलपर्स के मुताबिक रोबोट को मुवाजना करने के काबिल फाल सलाहियतों का मालिक होना चाहिए। इंसानों को मकसद एक ऐसी मशीन बनाना है जो आजादाना तौर पर अपने अंदर मुअस्सर तरीके से बातचीत करने के काबिल हो। इंसानी बुनियादी ढांचा, नाहमवार इलाके से गुजरना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना और गाड़ी चिल्लाना। 2015 में क्यूना रोबोट की पहली पेशरफ्त जो गाड़ियों को शूटिंग और चलाने की सलाहियत रखती है मुतारफ कराया गया। एक हीरा फेरी बाजू जिसे करीबी ऑपरेटर कंट्रोल करता है फायरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल में ऐसे अवतार रोबोट मुमकिन तौर पर जिंदा फौजियों की जगह ले सकते हैं। ताहम इस बात का ज्यादा इम्कान है कि दूसरे ममालिक जैसे अमरीका या चीन होंगे। रूस के बजाय आलमी सतह पर ऐसी जमीनी टेक्नोलॉजीज को नाफिज करने वाला पहला। दुनिया के सबसे ताकतवर जमीनी ड्रोन्स में से एक यूरिनाइन है। फायर पावर के लिहाज से बगैर पायलट की जंगी गाड़ी यूरिनाइन आलमी सतह पर सरफहरिस्त है। रूसी फौजी रोबोट बसरी तौर पर पियादा लड़ने वाली गाड़ी से मुशाबे है जिसकी पैमाइश तकरीबन 4.5 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, जिसका कल जंगी वजन 10 टन तक पहुंच जाता है। ये रोबोट 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन 2A72 से लैस है जो 7.62 मिलीमीटर मशीन के साथ जोड़ा है। बंदूक। बुर्ज के दोनों अतराफ में 4 9M120 एंटी टैंक मिजाइल वाले लॉन्चर्स नस्ब है। जरूरत पड़ने पर उन्हें इगला एंटी एयरक्राफ्ट मिजाइलों से तब्दील किया जा सकता है जो फिजाई दिफा फराहम करते हैं। सलाहियतें। बुर्ज के अकब में 6 रिएक्टिव फुलियम थर्बूर सकीमिल लगाए गए हैं। फिलहाल मगरब में बगैर पायलट वाली कोई जंगी गाड़ी नहीं है जो फायर पावर से मुमासिल हो सके। यूरिनाइन। अहम बात यह है कि ये जंगी रोबोट पहले ही हकीकी जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुका है। शाम, जहां डेवलपर्स के मुताबिक उसने अपनी तासीर का मुजाहरा किया। शामी तनाजे में यूरिनाइन के इस्तेमाल की तफसीलात मालूम नहीं है लेकिन मशीनें
जंगी माहौल में जांच ने इस तरह की टेक्नोलॉजी के मौरूसी मसाइल का इंकशाफ किया, जबकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक सरगर्मी से तरक्की कर रहे हैं। जंगी रोबोट्स ने मैदान जंग में इंसानी हलाकतों को कम किया। रूस को कुछ तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस मैदान में पीछे रहूं। ताहम यूरी 9 के तारुफ ने इस तकनीकी खला को नुमाया तौर पर कम कर दिया है। बत्तर बंद गाड़ी सार्तनक को जासूसी और रिले, गश्त, इलाकों और अहम अशिया की हिफाजत, तखरीबकारी और वजाहत। ये रोबोट टीम कंट्रोल मोड्स मैनुअल, ऑटोमेटिक और डायरेक्ट कंट्रोल में काम करता है। कम्प्लेक्स का वजन 7 टन से ज्यादा नहीं है और यह 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। रिमोट कंट्रोल और बरा रास्त मुर्त के साथ मशीन का ऑपरेशनल रद इस ऊपर है 10 किलोमीटर तक। बख्तर बंद रोबोट को फायर सपोर्ट गाड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोला बारूद की नकल व हमल और ईंधन, जख्मियों को निकालना और गार्ड की ड्यूटी फराहम करना। इसमें एक बख्तर बंद हल है जो 7.62 मिलीमीटर की लेबर तक की बंदूक की फायरिंग को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। ये रोबोट काबिल तबादला जंगी मॉड्यूल्स से लैस है, जिसे 7.62 से मुसल्ला किया जा सकता है और 12.7 mm मशीन गन, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेनेड लॉन्चर्स और कार्नेट एंटी टैंक मिसाइल, तेज रफ्तार 30 mm तोप और तैयारा शिकन मिसाइल नस्ब करने का ऑप्शन भी मौजूद है। लड़ाका रोबोट एक वाहिद कंट्रोल सिस्टम के तहत मुत्तहिद रोबोटिक निजामों का एक ग्रुप है, इंसानी ऑपरेटर के मातहत। ऑपरेटर के पास पीछे रहने और दूर से कंट्रोल करने या रोबोट के साथ रहने का इंतखाब होता है। कामों को अंजाम देने के लिए फ्रंट लाइन, एक जंगी मॉड्यूल वाला रोबोटिक प्लेटफॉर्म कमांड पोस्ट से चलाया जाता है, जो कर सकता है कहीं भी वाकई हो, यहां तक कि एक अलग बख्तर बंद गाड़ी में स्टेशनरी पॉइंट पर। जंग से पहले इलाके का नक्शा और अहम निशानात के ग्रिड्स को खत्म किया जाना है। इसमें भरी हुई लड़ाई में खसूसी दस्तों को टेली टैंक की हर हरकत को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। एक बटन दबाना और कई कामों में से एक को मुंतखब करना काफी है। कॉम्बैट रोबोट एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जासूसी ऑपरेशंस आग को एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुश्मन की पोजीशनों पर और गोला बारूद और रसद की तेज रफ्तार तरसील हाट सपाट पर। कॉम्बैट रोबोट मार्कर एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म है जो छोटे ट्रैक वाले रोबोट से मशाबहत रखता है। डिवेल्पर ने फखर किया कि मार्कर अब 1000 किलोमीटर का सफर कर सकता है, बोझ उठा सकता है और जख्मियों को निकाल सकता है। रोबोट्स को न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि शहरी इलाकों में भी फौजी कार्रवाइयों के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोट मशकों और हकीकी लड़ाई दोनों में जांच सकता है, जहां उसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मार्कर को ऑटो रिमोट कंट्रोल मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या खुद मुख्तारी से कुछ काम अंजाम दे सकते हैं। डेवलपर्स के मुताबिक जंगी प्लेटफॉर्म खुद मुख्तार मोड में काम कर सकता है। खपत 30.5 लीटर फी घंटा, 1000 किलोमीटर के क्रॉस कंट्री सफर 50 घंटे के खुद मुख्तार सफर के लिए काफी। ऑपरेशन रोबोट के डेवलपर्स का यह भी दावा है कि मार्कर को खुदकार तरसील और उतारने के लिए कार्गो का इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद बरा हाइड्रोलिक मैनिपुलेटर की मदद से निजाम खुद मुख्तारी के काबिल है। स्टोरेज से कार्गो कंटेनर्स निकालना, रूसी रोबोटिक कम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म एमट्रेक शदा चीसस पर रिमोट से कंट्रोल वाला रोबोट है। ये एक बख्तर बंद रोबोट है जो दूर से चलाया जाता है, ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन से लैस है। दुश्मन के साथ बरा रास्त रबते के बगैर लड़ाई में शामिल होने के लिए बंदूक का निजाम। डेवलपर्स के मुताबिक कम्प्लेक्स जासूसी, पता लगाने और स्टेशनरी और हरकत पजीर अहदाफ की मसरूफियत, यूनिटों के लिए फायर स्पोर्ट फराहम करना और साथ ही गश्त और अहम अशिया की हिफाजत के लिए। जदीद तरीन जंगी कम्प्लेक्स में चीसस और उसके लिए मुख्तलिफ आर्मर के जराए शामिल है। हथियार प्लेटफॉर्म, ये कम्प्लेक्स बगैर किसी अवामिल के रात के वक्त जंगी कार्रवाइयां करने के काबिल बना सकता है।